प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद की नियुक्तियाँ और उनकी पदावधि इत्यादि के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, उसकी जो विधायी की शक्तियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज हम क्या है, राष्ट्रपति की जो वित्तीय न्यायिक शक्तियाँ और उनकी जो सैनिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 112 जो है उसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष क्या है, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट क्या है प्रस्तुत करवाता है। भारत में क्या, मैं आपको बता दूं कि मतलब संविधान में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट तो ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा गया है, वहाँ क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट शब्द काम में नहीं लिया गया है संविधान में। आर्टिकल 117 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या है संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो विधेयक जारी करने की जो शक्ति थी उसमें क्या विधेयक संबंधी शक्ति थी, उसमें संविधान संशोधन और धन विधेयक को क्या है छोड़कर राष्ट्रपति क्या है किसी भी विधेयक को क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रोक सकता है या अनुमति दे सकता है, ऐसा पढ़ा था। तो ये धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक है, इन पर पहले से ही राष्ट्रपति की परमिशन ले ली जाती है, फिर ही उसको क्या संसद में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए क्या है दोबारा क्या है वो उसको क्या है राष्ट्रपति क्या है मना नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्व अनुमति से ये आते हैं। अनुच्छेद 113 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही क्या अनुदान की क्या है मांग की जा सकती है। अनुच्छेद 267 एक जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए, मतलब ऐसा व्यय जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं की गई थी ऐसा खर्चा आ जाए, उस स्थिति के लिए क्या है राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि जो होती है उससे क्या है एडवांस राशि का प्रबंध कर सकता है। भारत में तीन प्रकार की नीतियाँ हैं, एक तो संचित नीति है और एक लोकलेखा है और एक क्या है आकस्मिक निधि है। तो इस प्रकार से क्या है ये तीन प्रकार की निधियां हैं। और अनुच्छेद 280 जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या है वित्त आयोग का गठन करता है, और यह आयोग जो है केंद्र और राज्य जो है उनके मध्य जो करों का वितरण है उसकी अनुशंसा ये क्या है करता है कि अभी केंद्र और राज्य जो टैक्स है ना, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उस कर का क्या है फिर केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है, तो वो जो बंटवारा है किन सिद्धांतों या किन आधारों पर कितना कितना कैसे होगा इसके बारे में क्या है ये जो वित्त आयोग है ये क्या है अनुशंसा करता है। इसके पश्चात जो राष्ट्रपति हैं उनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में हम देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 50 जो है वो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या है अलग किया गया है। आर्टिकल 50 के हिसाब अनुसार क्या है न्यायपालिका क्या है कार्यपालिका से अलग है, अतः राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी उसे कुछ क्या है न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्या है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्या है दंड को क्षमा, प्रविलंब, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। इनको थोड़ा देख लेते हैं, क्षमा का मतलब तो बिल्कुल माफ़ हो गया, ठीक है, और जो प्रविलंब है उसका मतलब ये होता है कि मृत्यु का जो दंडादेश है उसको क्या है अस्थायी तौर पर क्या है विलंबित कर देना, और जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्या है क्षमा की प्रार्थना करता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब दोषी व्यक्ति क्षमा की क्या है प्रार्थना करता है तो उस स्थिति में क्या है उसको क्या है जो मृत्यु का जो दंड मिला हुआ है फांसी की जो सज़ा मिली हुई है उसको क्या है प्रविलंब के माध्यम से क्या है तो अस्थायी तौर पर क्या है रोक दिया जाता है। इसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है कि किसी दंड आदेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना क्या है कम करना, जैसे 7 साल के कारावास को क्या है 3 साल के कारावास में बदल देना,
है तो कारावास का कारावास, प्रकृति बदली नहीं है लेकिन मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इसके बाद आता है विराम। विराम का मतलब होता है कि नहीं, विशेष कारणों से क्या है, दंड को कम कर देना। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, उसके मृत्यु का जो दंड आदेश है उसको क्या है, साधारण कारावास में बदलना, वो कहता कहलाता है विराम। इसी प्रकार लघुकरण जो है वो होता है, अर्थात बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। तो आर्टिकल जो मतलब 72 है उसके तहत क्या है, राष्ट्रपति को क्या है, ये क्षमादान की शक्ति है। अब क्या है, क्षमादान की जो शक्ति है ना, ये मतलब निम्न मामलों में है। जैसे एक तो क्या है, दंड या दंड का आदेश जो है कोर्ट मार्शल से ही दिया हो, कोर्ट मार्शल मतलब सैनिकों का न्यायालय है उसके माध्यम से हो, तो उसमें भी ये लागू हो जाता है। और ये दंड का आदेश या दंड जो है ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर क्या है संघीय कार्यपालिका की शक्ति क्या है विस्तारित है, यानी जहाँ संघ का कानून लागू है, केंद्र का कानून है, उस कानून के उल्लंघन के संबंध में उसको क्या दंडित किया गया है, तो उस स्थिति में भी क्या राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 72 के द्वारा समाधान की शक्ति का प्रयोग करता है। और उन सभी मामलों में जिनमें क्या है दंडादेश क्या है मृत्यु दंड है, चाहे वो हाई कोर्ट के द्वारा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर मृत्यु दंड है तो उस पर क्या है संपूर्ण भारत में वो कहीं से भी उसको क्या कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड का अगर मिला है आदेश है, तो उस स्थिति में क्या है राष्ट्रपति उस पर सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति को क्या है राज्यपाल की तुलना में ज़्यादा न्यायिक शक्ति है, क्योंकि राज्यपाल क्या है सेना न्यायालय के जो दंडादेश हैं और मृत्यु दंड का जो आदेश है उस पर क्या है क्षमादान की उसको शक्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्य की कार्यपालिका से संबंधित विषयों पर लागू नहीं होती है, वहाँ पर क्या है राज्यपाल का अधिकार होता है और राज्यपाल ही क्या है उसको मतलब माफ़ कर सकता है। समाधान जो है वो एक प्रकार से क्या है अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है, अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति भी क्या है समाधान की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद जो है उसके परामर्श पर ही करता है, वो भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार क्या है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए क्या है बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या है अधिकार भी दिया गया है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में हम क्या है देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना का क्या प्रधान सेनापति होता है, उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति का के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित भी किया जा सकता है। कूटनीतिक शक्तियां जो राष्ट्रपति की है वो इस प्रकार से हैं, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र के संबंध में वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है, और विदेशों के राजदूत कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को क्या है वो स्वीकार करता है, विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और संसद में पुष्टि भी क्या है आवश्यक होती है। अन्य शांतिकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल 77 के अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों के कार्यों को क्या है बांटने के लिए क्या है वो नियम बनाता है, इसको रूल ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट को क्या है प्रतिवर्ष क्या है संसद में प्रस्तुत करता है, यानी ये जो एजेंसीज हैं वित्त आयोग, ये कैग वगैरह जो हैं, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो संसद में क्या है प्रस्तुत करवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
आर्टिकल 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अपात्र हो जाए या हो गया है या नहीं है, जो भी मामला है होने के लिए अपात्र हो गया या नहीं है, इस प्रकार का कोई विनिश्चित है यानी ऐसा कोई प्रश्न होता है राष्ट्रपति के दिमाग में, तो राष्ट्रपति क्या है निर्वाचन आयोग की राय लेता है और उसकी राय के हिसाब से ही वो क्या है कार्य करता है। आर्टिकल 160 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए क्या है उपबंध कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है ये राष्ट्रपति के जो क्या हैं शांतिकालीन शक्तियां जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में क्या है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में हम क्या है पढ़ेंगे।